दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अबुदय पाइल्स हॉस्पिटल। गोंदिया जिले में 13 नवंबर से 14 नवंबर के बीच दिन से आधी रात के बीच अज्ञात चोरों ने गोंदिया शहर थाना क्षेत्र के वाजपेयी वार्ड स्थित एक मकान में घुसकर घर की लकड़ी की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी को अपने कब्जे में ले लिया और कुल 25,000 रुपए की चोरी कर ली। शिकायत के आधार पर गोंदिया पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने उक्त अपराध की समीक्षा कर अपराध को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से निर्देशित एवं आवश्यक निर्देश दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना गोंदिया शहर के पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में थाना गोंदिया शहर की अपराध जांच टीम उक्त अपराध की जांच में जुट गई और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनसे अपराध के बारे में पूछताछ की गई तो उपरोक्त तीनों ने उक्त अपराध को अंजाम देना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 19 वर्षीय उदय उर्फ उमेश उपाध्याय, 19 वर्षीय खालिद आसिफ शेख व 23 वर्षीय अविनाश उर्फ नाम्या शिवसजन खोबरागड़े शामिल है। अपराध में चोरे गए सामान, सोने और चांदी के आभूषण और 22,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो भाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।